कांग्रेस पारसनाथ चिंतन शिविर की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। 20 से 22 फरवरी तक होने वाले इस चिंतन शिविर की रूपरेखा पार्टी ने तय कर ली है। कांग्रेस के इस चिंतन शिविर को राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी हर मुद्दे पर चर्चा करेगी। रिपोर्ट देखिए। में लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस बड़े पैमाने पर चिंतन शिविर आयोजित कर रही है। गिरिडीह के पारसनाथ में होने वाले इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर की मॉनिटरिंग खुद प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे कर रहे हैं। इस चिंतन शिविर को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पार्टी के प्रमुख नेताओं से चर्चा कर इसके फॉर्मेट को अंतिम रूप दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि इसमें हर ज्वलंत मुद्दों पर पार्टी मंथन कर आगे का निर्णय लेगी। सभी लोग बैठ करके चिंतन करेंगे कि राज्य में क्या क्या चीज़ें हो रही है और क्या क्या और होना चाहिए बेहतरी के लिए। हमने मैनिफेस्टो में क्या वायदे किए थे, हम कहाँ तक उस पर खड़ा उतरे हैं। साथ ही साथ जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो भाषा विवाद हो, चाहे वो लैंड के इशूज हैं, चाहे और भी कई घटनाएं सामने आ रही हैं लगातार, तो उन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर पार्टी में ऊर्जा का संचार दिख रहा है। आरपीएन सिंह की वजह से प्रदेश कांग्रेस की राजनीति से दूरी बना चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस भवन पहुंच उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बंद कमरे में काफी देर बात भी की, जिसमें चिंतन शिविर पर भी चर्चा हुई। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि चिंतन शिविर पार्टी को मजबूती देगा। 3 दिन हम लोग एक साथ बैठेंगे तो संगठन भी होगा, सरकार का समन्वय भी होगा। ये सारे सवाल ऐसे हैं कि 2024 का टारगेट करके अपने आप को तैयार करना हो। कांग्रेस की चिंतन शिविर पार्टी की चिंता कितनी दूर कर सकेगी, ये शिविर के बाद पता चलेगा। लेकिन काफी लंबे समय के बाद कांग्रेस के इस आयोजन की चर्चा पार्टी में जोरों शोर से है और ये शिविर पार्टी को भविष्य में मजबूत करने में कारगर साबित होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।